खरगोन जिले में फिर एक बार बुजुर्ग के साथ चेन स्नैचिंग की घटना घटित हुई। बताया जा रहा है कि हथियार से लैस बाइक सवार तीन बदमाशों ने उक्त घटना को अंजाम दिया, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गया। बता दें कि घटना सुबह 5:30 बजे की है, जब नर्मदा नगर निवासी विनोद बारचे हमेशा की तरह घर के आंगन में फूल तोड़ रहे थे। तभी अचानक बाइक पर सवार तीन बदमाश बुजुर्ग के समीप पहुंचे और चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बुजुर्ग को कान, हाथ, गर्दन में चोट आई, जिसका सुलभ उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पड़ताल कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मैं सामने फूल तोड़ रहा था अपने घर के, फूल तोड़ते हुए क्या हुआ कि राजस्व कॉलोनी तरफ से गाड़ी आई, उसमें तीन जने बैठे हुए, मैंने गाड़ी जैसे रोकी तो मैंने समझा, मैंने कहा यार ये कहीं ना कहीं अपने साथ हादसा करने आ रहे। मैंने बुढ़ी हाथ में ली और रोकने का प्रयास करा, वो जैसे आया तो मेरे को मेरी चेन झपट मतलब वो खींचने लगा, मैंने खोपड़ी ऐसे सामने करी तो वो मैंने उसको हाथ से रोक लिया और भर वो चेन झपट के और एकदम से ये सब वो झपटने में ये सब लगी करी, मतलब मैंने देख नहीं पाया कि उसके भैया भी साथ में लाया था। वो जाने लगा जब मेरे को फले दिखा था उसको हाथ में, उधर मैंने वो जैसे भाग में मतलब गाड़ी पे देख के आगे थोड़ा आगे गया कि मैंने उसको उबड़ी देख के मारी भी, उसको क्या लगी कि नहीं लगी कुछ समझ में नहीं आया। वो गाड़ी चालू ही रखी थी दो जनों ने, बस झपट एक चिल्लाया भी, इससे बाद में सब जने आए, मतलब वो चले गए थे। कहाँ की घटना है? घर के सामने कुंडा नगर है क्या? नहीं, नर्मदा नगर। नर्मदा कितने लोग थे? तीन जने। हमला भी करा आप पे? नहीं, हमला मतलब वही चेन खींची केवल, और उसमें ये सब ये लगा करा मेरे को। क्या फालिया थे उनके पर? फालिया था बड़ा। क्या नाम है आपका? बाद में मेरा विनोद बात किया। क्या काम करते हैं आप? मैं कोर्ट में मुंशी हूँ, तारे वकील साहब का मुंशी हूँ, टाइपिंग का काम है ना, अभिभाषक संघ के सामने टेबल लगी मेरी विनोद बात के नाम से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।